देखिए संजीव जी, कुछ टेक्निकल बातों पर आते हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई तो होती रहेगी, लेकिन आज तक सत्येन जैन को बेल नहीं मिली है, तो उसकी कुछ वजह रही होगी कोर्ट में। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कुछ चैट्स रिट्रीव किए हैं मुनीश, इस पर अगर आपको भी कोई जानकारी देनी है तो इसके बाद आप दे सकते हैं। संजीव जी, चैट्स रिट्रीव की गई है जिसमें ड्राफ्ट पॉलिसी शराब कारोबारियों को पहले ही व्हाट्सएप चैट के जरिए भेजी गई थी। उन्होंने जो बदलाव कहे, फिर वो बदलाव किए गए, और ये प्रश्न आज मनीष सिसोदिया से पूछा गया था, जिस पर वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये बदलाव क्यों हुए ड्राफ्ट पॉलिसी में। इस पर आपका क्या जवाब है? अंजना जी, दुर्भाग्य ये है कि जितनी टेक्निकल सवाल आप कह रहे हैं, वो टेक्निकल सवाल करने वाले आज भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बनकर काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी बनकर काम नहीं कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको आज ही मोडस ऑपरेंडी बता देता हूँ कि कल जब कोर्ट में जज पूछेंगे कि भाई इनको अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी, तो जो आपने ताना बाना कहा, उन्होंने वो कहेंगे जांच में सहयोग नहीं कर रहे। एक बात बताइए, पहला उन्होंने चार्जशीट दायर किया, उसमें मनीष जी का नाम नहीं था। दूसरा चार्जशीट दायर किया सप्लीमेंट्री, उसमें मनीष जी का नाम नहीं था। अब ये कहेंगे हम फिर से नया चार्जशीट बना रहे हैं, हमें टाइम चाहिए, 90 दिन का टाइम चाहिए, फिर किसी को पकड़ के ले आएंगे। इनका ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है। जो जरूरी बातें, मैं तीन बातें बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मनोज तिवारी जी क्या कह रहे थे, सीबीआई हमें नहीं बताती है, सीबीआई तो जांच करके बताती है, तो फिर 145 करोड़ की जो बात कह रहे हैं ये कहां से आई? और दूसरी बात, अभी जो देखिए आपके पत्रकार कह रहे थे, अभी मनोज तिवारी पहले भूमिका पहले पता था इनको कि ये सारा तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी से कि तार हम जोड़ लेंगे। अरे मुझे ये लगता है कि मनोज तिवारी जी जनतंत्र में हैं, चुनाव लड़ लो, 3 बार मुंह की खाया है आपने, अभी आप दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने आपको अपनी औकात बताई है, तो ये कायरों वाला काम क्यों? तो ये एजेंसी को लगाना ये कायरों का काम है जनतंत्र में। अगर हमने गलत किया है आओ जनता में बता देते, जनता आपकी औकात बताएगी। मैं आप एक बार बता दूं, ये जो दबदबा है हुकूमत, ये नशा, ये दौलते सब किरायेदार हैं, घर बदलते रहते हैं, तो आज इस नशे में जो आप काम कर रहे हो, इससे जनतंत्र का भी नुकसान होता है। और मुझे ये लगता है कि इसका नुकसान जनता को इसलिए हो रहा है कि मनीष जी के पास 18 डिपार्टमेंट थे, वो वित्त मंत्री थे, उनको बजट पेश करना था अभी, वो बजट जिसमें शिक्षा में बदलाव आ रहा है, अस्पताल में बदलाव आ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बना है, तो मुझे लगता है कि इससे जो पूरे देश की उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर लोगों का नुकसान हो रहा है। तो मेरा यह मानना, ये लड़ाई अंजना जी पॉलिटिकल है, ये लड़ाई टेक्निकल है ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। इनको जो डर अरविंद केजरीवाल का जो सता रहा है, कोर्ट में तो लीगल लड़ाई ही बनेगी ना संजीव जी, कोर्ट में तो लीगल लड़ाई ही बनेगी ना। नहीं, लीगल लड़ाई देखिए ना, आप सत्येंद्र जैन जी का एग्जांपल दिया, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से ये सब लोग सबको एक तरह से गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं ये लोग। 6 महीने लगातार केस चला, और जब जज साहब ने 7 सवाल इनसे पूछ लिया, तो इन्होंने कहा कि हमें जज बदल दो, फिर जज बदलने की लड़ाई हुई, फिर उसके बाद ये बेल की लड़ाई गई, फिर किसी को पकड़ के ले आए कि हम जांच कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 7 महीने में आपने सत्येंद्र जैन के केस में क्यों नहीं फाइनल चार्जशीट सबमिट किया? बताइए, बताए मनोज तिवारी जी की क्या अपराध था उनका, क्या करप्शन था उनका, बताए। आज मैं दावे से कहता हूँ, अगर ये बता दें तो मैं मान जाऊं। ये एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहे हैं, और ये सब वकालत कर रहे हैं आज, तो मुझे लगता है ये वकालत, लेकिन आपको महंगा पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब आप सब लोगों ने, एक महाभारत में एक कहावत था, श्री कृष्ण ने कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जंजीर बढ़। ये जो आपने आज किया है ना, ये इसकी जनता आपको जवाब देगी। मनोज जी देखिए, अंजना जी, अभी संजीव जी ने कहा 145 करोड़ माफ किया गया, ये सीबीआई ने क्यों बताया? अरे भाई साहब, ये सीबीआई ने नहीं, ये चीफ सेक्रेटरी ने बताई है। अरे भैया, सीबीआई ने कहा जाते हैं, पूछ रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी भी तुम्हारा। 145 करोड़ दिल्ली की जनता, सीबीआई ने कहा बताया, ये तो बता दो। नहीं, सीबीआई ने नहीं बताया, सीबीआई ने कहा बताया, चीफ सेक्रेटरी ने बताया, अपनी इंक्वायरी में लिखा है। मुझे पता है, आपने, मैं आपके समय कुछ नहीं बोल रहा हूँ जाजी, बीच में आप गलत बोल रहे हैं ना मनोज जी। नहीं, आप तो हमें कायर कह रहे हो, आप हमें कब्र में डालने की बात कर रहे हैं, दफन करने की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे बीच में। संजीव जी, आवाज मुझे कीजिए, संजीव जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने हमारी औकात, जैसे आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आप भी संयम रखें, मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद, प्लीज। अगर आपने हमें औकात बताई
तो 2014 में किसकी औकात पता चली थी, 2017 में किसकी औकात पता चली थी, 2019 में किसकी औकात पता चली थी? ये औकात की बात नहीं होती है, लोकतंत्र में हार जीत होती है, इसको मैं औकात बताना नहीं बोलता हूं। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग मुझे पता है, अभी आप लोगों को इसमें आप लोग होशो हवास में नहीं है, इसलिए आप गालियां भी देंगे तो मैं अपनी वाणी को उस तरफ नहीं ले जाऊंगा। रही बात अंजना जी, याद रखिए, आज मैं देश को और दिल्ली को बताना चाहता हूं कि इन्होंने मात्र शराब घोटाले में लिप्तता ही नहीं इनकी पाई गई है, इन्होंने साक्ष्य नष्ट किए हैं, इन्होंने साक्ष्य को नष्ट करने का भी काम किया है। और याद रखें, जब ये बातें करते हैं ना, ये कितनी बातें बोलते हैं, कभी भी अगर लोग आपको चुने हैं तो इसलिए नहीं चुने हैं कि आप उन्हीं के गर्दन पे तलवार चलाइए। आप कह रहे हैं संजीव भाई कि बहुत अच्छा बजट लाने वाले थे, पिछले 9 साल से वही वित्त मंत्री है ना, कहां गई जमुना जी की सफाई, कहां एक नया स्कूल खोल दिया है आपने, कहां एक नई यूनिवर्सिटी खोल दी आपने, ये सारी चीज कहां है, आपने साफ पानी दे दिया, कहां है आपने सीवर दे दिया, कहां है आपने जल जमाव से मुक्त कर दिया दिल्ली को, क्या ये अच्छे बजट की निशानी 8-9-10 साल में नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन आज आपको जब एक अपराधी पकड़ा गया है तो आपको अच्छे बजट की याद आती है। सर, आप लोगों को याद रहना चाहिए, आज जो भी सड़कों पे आप कह रहे हैं कि ये निकलो, अपराधी के लिए इस देश में लोग सड़कों पे नहीं निकलते हैं, और कुछ निकलते हैं तो वही निकलते हैं जिनको अभी तक पता नहीं होता है कि उनके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। हमारा मानना है अंजना जी, आज के शो में जितनी बातें हो गई हैं, गर्मी इसलिए नहीं इनकी ज्यादा है कि मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, इनकी गर्मी इसलिए ज्यादा है कि तार कहीं और से जुड़ रहे हैं, फेस टाइम ऑडियो की बातें कहीं और की आई हैं, और वो वहां की हैं जहां के लोगों ने, जिन लोगों ने इस देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का सपना दिखाया, अपोजिशन को जेल में भेजने के लिए, अपोजिशन के लोगों को जो अच्छा काम करे उसको जेल में बंद कर दो। देश की जनता ने सत्ता इसलिए नहीं दिया था आपको, देश की जनता 2024 में जवाब देगी। अपोजिशन में तो, अपोजिशन में तो आप भी हैं, कौन आपको जेल भेज रहा है, कैसे भेज सकता है? अपोजिशन में और भी लोग हैं जो बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, वो सब जेल थोड़ी जाते हैं, ये क्राइटेरिया नहीं है संजीव भाई, इसको नहीं, ये जेल में बंद कर दो, जो स्वास्थ्य ठीक है, नहीं नहीं ये आप याद रखें कि इस देश में कोई भी कितना भी बड़ा हो, मनोज तिवारी भी अपराध करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। और आपने कहा था ना संजीव भाई कि आप बताओ बीजेपी का कौन गया, हमारे उत्तर प्रदेश के विधायक सेंगर जी, उनको आप याद करिए उनके साथ क्या हुआ, और किसी और ने नहीं, बीजेपी ने किया। हम और आप एक उदाहरण बता दीजिए, आप तो ताहिर हुसैन को भी बचाने में लगे हुए थे, आप सतेंद्र जैन जैसे व्यक्ति को जिसकी याददाश्त झूठी होने का, जाने का झूठा आपने कोर्ट को बोला, ये सारी चीजों के बावजूद संजीव भाई हमें पता है आप प्रवक्ता है, आपको बात करनी है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नंगा हो गया है। हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी में जो है सब गलत ही है, लेकिन कई लोगों की आज आंखें खुल गई हैं। आप हमारी लोकसभा में चल के देखिए कैसे विरोध हो रहा है।